पिछले 20-25 दिनों से चल रहा है गर्मी का तांडव। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चुका है। आज फर्रुखनगर शहर के अंदर 47 डिग्री तक पहुंचा है तापमान, आप देख सकते हैं। ऐसी कड़कती धूप के चलते लोगों का आवागमन शहर में बहुत कम हो गया है। ऐसे में अगर डॉक्टरों की माने तो उनका कहना है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी काम होने पर घर से बाहर निकले। सबसे पहले हम आपकी बातचीत करवाएंगे टेम्पू यूनियन के लोगों से और उसके बाद फर्रुखनगर शहर के जाने माने डॉक्टरों से कि क्या कहते हैं वो कड़कती धूप के विषय में। क्या 47 डिग्री तापमान पर लोगों का शहर में आना जरूरी है या इस कड़कती धूप का यातायात के साधनों पर क्या असर पड़ा? अभी आज हम फर्रुखनगर टेम्पो स्टैंड पर बैठे हैं। टेम्पो स्टैंड पर टेम्पो प्रधान मनोज यादव के साथ, जो कि गांव फाजिलपुर से हैं, उनकी बातचीत करोगे भाई कि 47 डिग्री तापमान के अंदर सवारियों का कितना असर है बाजार में देखने को, कितने लोगों का आवागमन इस ऐतिहासिक शहर बोले जा रहे फर्रुखनगर के अंदर, जो एक कस्बा बहुत बड़ा हो चुका है, आने वाले समय में हो सकता है कि मिनी गुड़गावा के नाम से प्रसिद्ध हो। तो अभी बातचीत करवाएंगे गर्मी के विषय में कि 47 डिग्री तापमान के अंदर कितना आवागमन आम जनता का है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब कितना आवागमन हो रहा है आम जनता का फर्रुखनगर शहर के अंदर अभी इस तपती गर्मी के अंदर? बहुत कम है जी। लगभग कितनी सवारियां दिन में आ जा रही है? इसे धूप से गर्मी से बहुत कम सवारियां आ जा रही है जी। कभी 5 ले जा रही है, कभी 2 ले जा रही है जी। अभी ट्रैफिक पुलिस का जिक्र कर रहे थे भाई साहब। हाँ जी। तो कुछ समस्या है ट्रैफिक पुलिस से? हाँ जी समस्या है जी। क्या समस्या? किसी के पास वर्दी नहीं है जी, किसी के पास प्लेट नहीं है। टेम्पो वाले के पास? हाँ जी टेम्पो वाले के पास। तो ट्रैफिक वाले मांगते होंगे ना जी? हाँ जी मांग रहे जी। तो आप तो इनके प्रधान है फिर इस मामले में? मैंने इनको सबको बोल दिया था जी, 20 तारीख से ड्रेस चाहिए थी जी जी, अब तक नहीं है, बताओ क्या करे। तो तपती गर्मी में लोगों का भी आवागमन खत्म है, धंधा भी ठप है और ऊपर से पुलिस वालों की परेशानियाँ। अभी हम आपकी बातचीत करवाएंगे फर्रुखनगर शहर से, जो कि फर्रुखनगर शहर के अंदर जिनका खुद का क्लिनिक है कैलाश हॉस्पिटल के नाम से, मनीष पांडे जी। मनीष पांडे जी क्या कहते हैं ऐसी तपती गर्मी के अंदर लोगों को किस प्रकार से घर से बाहर निकलना चाहिए, किन किन सुविधाओं को अपने घर परिवार के व्यक्तियों के साथ एहतियात में रखते हुए इस भरी गर्मी में कैसे जीवन व्यापन करना है, हम डॉक्टर साहब से आपकी बातचीत करवाएंगे ताकि आम जनता को सुविधाएं मिल सके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी भाई, सभी को नमस्कार। हाँ जी सर, धूप की वजह से लू की वजह से काफ़ी पेशेंट बढ़ रहे हैं हॉस्पिटलों में जी, आम जनता परेशान है क्योंकि हर परिवार संपन्न नहीं है जी अपना इलाज करवाने के लिए, तो ऐसी क्या सुविधाएं मिल जाएं जो घर पे ही कि वो सुरक्षित रह सके? अब मैक्सिमम जो गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे लूज मोशन, उल्टियाँ, पेट में दर्द, दस्त, ये सब होते हैं। तो हमको प्रिकॉशन के लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमको ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड लेनी चाहिए, दही, छाय, लस्सी, चीनी नमक का घोल, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। जब भी बाहर निकले कॉटन के कपड़े पहन के रहें, सर को ढक के चलें, और अधिक से अधिक मात्रा में अगर हम पानी लेते हैं तो हमारा हाइड्रेशन मेंटेन रहता है, जिससे बीमार होने की कम सुविधाएँ होती हैं। सबसे बड़ी जो सेकंड थिंग्स है कि आपको हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, जब भी खाना खा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो प्रॉपर हाथ पैर हाथ धोना चाहिए और बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। इस मौसम में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, वायरस बहुत होते हैं, तो आउटसाइड ईटरी जो होते हैं उसको यूजली अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब खासतौर पर बुज़ुर्गों के लिए पूछना चाहेंगे आपसे कि बुज़ुर्ग गर्मियों के दिनों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है बुज़ुर्ग लोगों को, तो उनके लिए क्या चीज़ ऐसी रहे जो घर पर अवेलेबल भी हो जाए और हॉस्पिटल का यहाँ तक आने का सफ़र भी ना हो? मेन गर्मी में जो परेशानी होती है डिहाइड्रेशन होती है, जिससे बीपी लो चला जाता है, परेशानियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, तो हमको हाइड्रेट रखना है। हाइड्रेट इन सेंस कि हमको पानी की कमी नहीं होने देनी है, लिक्विड किसी भी फॉर्म में, पानी किसी भी रूप में हम ले सकते हैं, चाहे वो दूध हो, चाय हो, लस्सी हो, दूध हो, एक अंतराल पे 2-3 घंटे के अंतराल पे हमको एक गिलास पानी या लिक्विड लेते रहना चाहिए इसमें। सर अगर सब्जियों की बातचीत करें तो इन दिनों में पानीदार सब्जियाँ अधिक ज़्यादा लें या सूखी सब्जी का सेवन भी? नहीं, ओबियस पानी जिसमें ज़्यादा है उसको लेना चाहिए, जैसे तोरी हो गए, तरबूज हो गए, खरबूज हो गए, जो भी लिक्विड वाली चीज़ें हैं जिसमें पानी की मात्रा अधिक है उसको लेना चाहिए। सर गर्भवती महिला के लिए पूछना चाहेंगे कि गर्भवती महिला को इस दौरान कैसे परिवार में रह के अपनी सुरक्षा मिल सकती है, उसके लिए क्या करें? गर्भवती महिलाओं में यूजली डिहाइड्रेशन सबसे खतरनाक होता है क्योंकि उनके पेट के अंदर भी पानी होता है जो को बच्चे को सेफ करता है, अगर वो डिहाइड्रेट होंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे पर भी प्रभाव पड़ेगा।
तो उनको संतुलित आहार हम बोलते हैं कि एक औरत को स्वस्थ बच्चा पैदा करने के लिए संतुलित आहार चाहिए। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है हमारा, कि ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ दूध पे जाएं, सिर्फ फ्रूट पे जाएं, एक बैलेंस में कार्ब, प्रोटीन और अपना वसा जो है तीनों मात्राएं हमको मिलनी चाहिए। तो हमको उसको बैलेंस डाइट लेना है प्लस हाइड्रेशन रखना है। हाइड्रेशन का वही मतलब है कि हाँ पानी एक अंतराल पे लगातार लेते रहें। अभी डॉक्टर मनीष पांडे जी ने जो बात आम जनता को बोली कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी की मात्रा इन दिनों में शरीर के अंदर होनी चाहिए, हमें कम से कम हर 2 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, और कपड़े जो बताए डॉक्टर साहब ने सूती कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए, सर पे गमछा वगैरह लेके चलना है ताकि इन बीमारियों का शिकार ना हो पाए कोई भी परिवार, सबके सुरक्षित रहे।